तो दोस्तों, आप दिन में कितनी चॉइसेस लेते हैं? 10, 20, 100, 1000? एक रिसर्च के अनुसार देखा गया कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक दिन में हजारों चॉइसेस बनाता है, और जो ज्यादातर चॉइसेस होती हैं वो सब कॉन्शियसली होती हैं, अनजाने में हो जाती हैं। अगर एक स्टेप बैक लिया जाए और सोचने की कोशिश की जाए कि आपने वो चॉइस क्यों ली, तो शायद आपका ओवरऑल जो आगे का रिजल्ट है वो चेंज हो जाए। नॉर्मल लाइफ में अपन चॉइसेस लेते हैं, कुछ पुअर चॉइसेस लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर हम स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश करें तो शायद अपनी जर्नी को अच्छा बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 ट्रैप्स के बारे में जिसमें ज़्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं, और फिर जब पैसा बनाने की बात आती है तो उनको लगता है अरे स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो इन 5 ट्रैप्स को समझिए और शायद अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आप खुद से अच्छा बना सके। तो आइए शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हर ट्रेडर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाता है? नहीं, सिर्फ 10% ट्रेडर एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं, बाकी के 90% उन 10% को पैसा देने के लिए ही मार्केट में आते हैं। तो ये 5 ट्रैप्स कौन से हैं जिसमें ज़्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला ट्रैप है कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैं, बायर्स कम। ऐसा सोचा जाता है, एक बहुत बड़ा मिथ है ये। देखिए, स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है, जितना डिमांड उतना सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है तो पैसा बढ़ जाएगा, अगर सप्लाई कम है तो भी पैसा बढ़ सकता है। तो स्टॉक मार्केट जिंदगी की तरह डिमांड एंड सप्लाई की तरह काम करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बायर ज़्यादा है सेलर कम। इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक वोलेटिलिटी, और किस समय पर वो ट्रेडिंग हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरा ट्रैप कि कल तो मैं पैसा बना ही लूँगा, ये एक नॉर्मल गैम्बलर की सोच है। आप लॉटरी में पैसा लगाते हैं ये सोच के किसी ना किसी को तो जीतना ही है, शायद मैं जीत जाऊँ। ये सोच के जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मे बी 1 या 2 बार हफ्ते 10 दिन में शायद आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड आ जाए, लेकिन आप रेगुलरली उसे पैसा इस सोच के साथ नहीं कमा पाएंगे। तो आपको एक तरीके से ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ में जिस तरह से आप रिस्क को बैलेंस करते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में भी अपने रिस्क को, अपने इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी को सोच के ही कदम रखना है। सिर्फ ये सोच के कि कल मेरा दिन होगा और मैं पैसा बना लूँगा, गैम्बलिंग सोच है। तीसरा ट्रैप है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बिना किसी रिसर्च के। ज़्यादातर जो नए निवेशक होते हैं, जो 90% में आते हैं, वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कोरा, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके उनके जो टिप्स हैं उनको फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि शायद वो अमीर बन जाएं। खुद से रिसर्च नहीं करेंगे। खुद से रिसर्च नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? अगर इतना ही आसान होता स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना तो हर एक के लिए बन जाता, 10% होता और ज़्यादातर लोग पैसा बना रहे होते। तो लोगों की बात पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए और फिर स्टॉक मार्केट सीखिए। इसलिए स्टॉक पाठशाला आपके लिए लेके आए हैं ताकि आप सीख सकें। स्टॉक पाठशाला में आपको ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के 80-90 कोर्स मिलते हैं, जिसको आप आराम से समझ के स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी है वो बेहतरीन कर सकते हैं। चौथा ट्रैप क्या है? सस्ता स्टॉक खरीदूंगा और ज़्यादा स्टॉक खरीदूंगा, उससे मेरा नुकसान कम होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो महंगा स्टॉक है, 2000 रुपये का स्टॉक है, एक स्टॉक मिलेगा 20 रुपये की, 100 स्टॉक खरीद लेता हूँ। ये सोच इज प्रॉब्लमेटिक सोच। ये मत सोचिए कि स्टॉक का करंट वैल्यू क्या है, ये सोचिए कि क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। चाहे उसका प्राइस 50 रुपये है, 5 रुपये है या 5000 रुपये है, डज नॉट मैटर। 5000 का एक स्टॉक भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, शायद 10, 20, 30 रुपये के हजारों स्टॉक आपको उतना मुनाफा ना दे पाए। तो आपको ये समझ के चलना है, डोंट गो फॉर क्वांटिटी, गो फॉर द क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। पांचवा और आखिरी ट्रैप ये है, आंख बंद करके दूसरों की बात मानना, दूसरों को कॉपी करना। राकेश झुनझुनवाला का जो पोर्टफोलियो है वो मैं देख लेता हूँ, जहाँ जहाँ उसने इन्वेस्ट किया है वहाँ वहाँ कर देता हूँ, और मैं भी एक तरीके से राकेश झुनझुनवाला बन जाऊँगा। इतना आसान नहीं है, आपको पता होना चाहिए किस प्राइस पॉइंट पे एंटर करना है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, राकेश झुनझुनवाला की रिस्क एपेटाइट क्या है। वो शायद 2000 करोड़ का नुकसान झेल सकते हैं, शायद आप 2 करोड़ का भी नहीं। तो एक तरीके से जो बाकी लोग कर रहे हैं, आंख बंद करके उस पर विश्वास मत कीजिए, समझिए, सीखिए, धीरे धीरे कदम लीजिए। स्पेशली बिगिनर को हम ये कहते हैं, जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं स्टॉक मार्केट में, साथ के साथ ट्रेडिंग मत शुरू कीजिए,
उसको समझिए, डेमो ट्रेडिंग करके देखिए, इनफैक्ट आप एनालिसिस कीजिए, छोटा छोटा पैसा लगा सकते हैं अपने एनालिसिस के साथ। अगर आपका एनालिसिस सही है, आपको रिटर्न दे रहा है, तो अपना कैपिटल बढ़ाइए, लेकिन एकदम से ज़्यादा पैसा मत लगाइए, और बिना सीखे बिना समझे तो बिल्कुल भी नहीं। ये 5 ट्रैप्स अगर आप अपने आप को बचा लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और अच्छा खासा रिटर्न आप कंसिस्टेंटली बना सकते हैं, और उन 10% लोगों में आराम से आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, आपको इन ट्रैप से बचाने की कोशिश की है, होपफुली आप बच जाएंगे। आप भी बताइए कि आप किस तरह के ट्रैप्स में फंस चुके हैं, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट्स में बाकी दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।